हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस क्यूब को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्या सिर्फ 5 सेकंड में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोग इस क्यूब को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे मेरा वीडियो देखने के बाद। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्यूब कैसे 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। तो ये जो क्यूब है ये कुछ इस तरह से 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक ट्रिक वीडियो है, ये कोई रियल तरीका नहीं क्यूब को फास्ट सॉल्व करने का। अगर आप लोग क्यूब पर बहुत ज्यादा एल्गोरिथम से बोर हो चुके हैं और आप लोग इस क्यूब को बहुत फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं जैसे सिर्फ 5 सेकंड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इस क्यूब को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे और आप लोग अपने सभी दोस्तों को, रिलेटिव और बाकी लोगों को इस क्यूब को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये क्यूब की जो व्हाइट साइड है इसको हम लोग टॉप पर रखेंगे और यहां से हम लोग एक स्क्रैम्बल एल्गोरिथम यूज करेंगे, मतलब इस क्यूब को बिगाड़ने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, डी एल टू आर टू यू एल टू यू टू आर टू यू एल टू यू प्राइम बी टू यू टू F प्राइम L प्राइम R टू D U टू B प्राइम R प्राइम D प्राइम R टू D टू। तो देखिए यहां पर हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये स्क्रैम्बल एल्गोरिथम चाहिए तो ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एल्गोरिथम थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे इसको प्रैक्टिस करेगा, आप लोगों को आसानी से एल्गोरिथम याद हो जाएगा। तो अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक व्हाइट क्रॉस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो व्हाइट के एच पीसेज हैं, ऐसे में बाकी की इन दोनों पोजिशन पर भी व्हाइट के एच पीसेज को लगाना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर व्हाइट का एक क्रॉस बन जाएगा। तो देखिए एक ये हमारा व्हाइट का एच पीस है और एक ये हमारा व्हाइट एच पीस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा व्हाइट का एच पीस है इसको हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे। तो देखिए ये पीस हमारा यहाँ पर लग गया। अब ये वाला जो हमारा व्हाइट का एच पीस है इसको भी हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक व्हाइट क्रॉस बन गया। तो अब ऐसे हमें बाकी के इन सभी पोजीशन पर पीसेस को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो पीसेस का ऐसे एक पेयर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पर पीसेस का पेयर बनाकर इन सब पोजिशन पर डालना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये एक व्हाइट ग्रीन और रेड कलर का कॉर्नर पीस है और ये इसका एच पीस है। तो हमें इन दोनों पीसेस का पेयर बनाना है और फिर इसको हमें यहां पर डालना है। तो यहां पर हम लोग एक बहुत इजी सा मूव यूज करेंगे, इसको मैं एल्गोरिथम नहीं बोलूंगा, इसको मैं मूव बोलूंगा, बहुत ही इजी मूव है, आर यू आर प्राइम। तो देखिए यहां पर हमारे पीसेस इंसर्ट हो गए। अब ऐसे में बाकी के इन सब पोजिशन पर भी पीसेस को लगाना है। तो देखिए यहां पर हमारे दो पीसेस का पेयर है, ठीक है। तो इनको हमें यहां पर डालना है, इस पोजीशन में डालना। हम लोग क्या करेंगे इस पोजीशन में हमें डालना है, तो इसको हम लोग करेंगे ऊपर, फिर इन पीसेस को हम लोग इधर ले जाएंगे और फिर इनको हम लोग कर देंगे नीचे। अब देखिए यहां पर हमारे दो पीसेस का पेयर है, तो इन पीसेस के पेयर को हमें यहां इस पोजीशन पर डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है पीसेस की, तो इसको हम लोग ऊपर करेंगे, फिर इन पीसेस को हम लोग इधर ले जाएंगे और इनको हम लोग कर देंगे नीचे। तो देखिए यहां पर हमारे सारे पीसेस जो है ये अपनी पोजीशन पर लग गए। अब यहां पर हम लोग एक बहुत इजी सा एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसके बाद हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो हम लोग एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं टी पर्म। तो हम लोग इसी क्यूब की इसी पोजीशन से वो एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो चलिए वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम। तो देखिए यहां पर हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों ने टी पर में एल्गोरिथम यूज किया, ये जो है एल्गोरिथम जो है ये पूरा फिंगर ट्रिक्स का खेल है, ठीक है। आप लोग इस ये वाला जो एल्गोरिथम टी पर वाला एल्गोरिथम इसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो जिससे आपका हाथ थोड़ा सा तेज चलेगा और फिर आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर आपका हाथ जो है इस तरह से चलेगा ये एल्गोरिथम को प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।